नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिनभर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। आपने शुरू किया एक मौका केजरीवाल को कैंपेन। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से की वीडियो बनाकर चुनावी राज्यों को सरकार के अच्छे काम बताने की अपील। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस। बिना टीकाकरण और 15 साल से छोटे बच्चों को परेड में शामिल होने की नहीं मिलेगी अनुमति। दिल्ली में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे प्राइवेट ऑफिस। स्कूलों को जल्द खोलने के लिए बच्चों को टीकाकरण पर दिया जा रहा जोर। अयोध्या के बाद IRCTC ने अब ट्रेन से दिया काशी यात्रा का सुनहरा मौका। वेबसाइट और टोल फ्री नंबर पर करवा सकेंगे दिव्य काशी यात्रा के लिए बुकिंग। पुलिस की गिरफ्त में जेएनयू छेड़छाड़ मामले का आरोपी। सीसीटीवी खंगालने पर मिला सुराग। विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टियां अपने अपने स्तर पर एक से एक प्रयास कर रही हैं। इसी दिशा में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक मौका केजरीवाल को कैंपेन लॉन्च किया। उन्होंने इस अवसर पर दिल्ली की जनता से अपील की कि वह राजधानी में हुए अच्छे कार्यों की वीडियो बनाएं और उन राज्यों के लोगों के साथ शेयर करें जहां पर चुनाव होने वाले हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज मैं दिल्ली के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। पिछले 7 सालों में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ढेरों शानदार काम किए हैं। इन कामों की चर्चा आज पूरी दुनिया में होती है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए UN से लोग आए, दिल्ली के स्कूल देखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की पत्नी आई, दिल्ली में 24 घंटे फ्री बिजली मिलने लगी है। ये सब हम इसलिए कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। 2013 में 49 दिन के काम को देख के आपने हमें 2015 में और फिर 2020 में भारी बहुमत दिया। आप हमें बार बार चुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे काम से बहुत खुश हैं। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, दिल्ली के लोगों को हमने खूब सुविधाएं दी, हर वादे पूरे किए। क्या आप चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में अच्छे काम हुए, ऐसे ही अच्छे काम बाकी देश में भी होने चाहिए? बाकी देश के भी स्कूल, अस्पताल अच्छे होने चाहिए? बाकी देश में भी बिजली 24 घंटे होनी चाहिए, बिजली पानी मुफ्त होने चाहिए? बाकी देश में भी सड़कें अच्छी होनी चाहिए? चाहते हैं ना आप? हम दिल्ली में ये सब अच्छे काम कर पाए क्योंकि आपने, दिल्ली के लोगों ने हमें एक मौका दिया। बाकी जगहों पे भी हम तभी अच्छा काम कर पाएंगे जब अन्य राज्यों के लोग भी हमें एक मौका देंगे। आज से हम एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं। कैंपेन का नाम है एक मौका केजरीवाल को। इस कैंपेन में दिल्ली के लोग यानी कि आप अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। आप अपनी एक वीडियो बनाएं और बताएं कि आपको हमारे कौन से काम पसंद आए, आम आदमी पार्टी की सरकार के कौन से काम पसंद आए, आपको किस काम से क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, आपकी कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक खुला। वीडियो में बताएं कि उस मोहल्ला क्लिनिक से आपको कितना फायदा हुआ। क्या सरकारी स्कूल सुधरने से आपके या आपके जानने वालों के बच्चों को फायदा हुआ? आपके बिजली पानी के बिल 0 हुए? और भी कोई फायदा आपको हुआ हो या आपको लगे कि आपकी दिल्ली सरकार ने दिल्ली में कोई भी अच्छा काम किया, आप वीडियो में जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में आप अपील करें कि यदि दूसरे लोग भी अपने राज्य में ऐसे अच्छे काम चाहते हैं तो वे भी केजरीवाल को एक मौका जरूर दें। ऐसा एक वीडियो बना के आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप आदि आदि। एक और बात, अभी इन 4 राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है।
पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश। इनमें जिन जिन राज्यों में आपकी जान पहचान है वहां आप अपना वीडियो बना के अपनी जान पहचान के लोगों को व्हाट्सएप करें और उन्हें अपील करें कि वो लोग भी अपने अपने राज्य में आम आदमी पार्टी को वोट दें। वहां के लोगों को बताएं कि अगर वो भी आपकी तरह केजरीवाल को एक मौका देते हैं तो उनकी जिंदगी भी बदल सकती है। मेरी एक अपील आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर से भी है, आपको सोशल मीडिया पे ऐसे जितने भी वीडियो दिखें, वीडियो मिलें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर और वायरल करें। जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी ऐसे 50 दिल्ली वासियों को मैं चुनाव के बाद बुलाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा। आपकी वीडियो के मुझे इंतजार रहेंगे। मैंने आज तक बेहद ईमानदारी से काम किया है, इसलिए मेरे पास तो चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नहीं है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप हैं, आपकी आवाज में बहुत ताकत है। यदि आप अपना कुछ समय देंगे तो बाकी राज्यों के लोग सुनेंगे भी और बात बहुत दूर तक जाएगी। गणतंत्र दिवस की शानदार तैयारियां की गई हैं। 26 जनवरी को परेड में देश की शान देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। परेड में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवा रखी हो। इसके साथ ही परेड में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइंस जारी की है। पुलिस ने ये दिशा निर्देश खासकर उन लोगों के लिए जारी किए हैं जो लोग 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। पुलिस की गाइडलाइन के मुताबिक राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में वही लोग शामिल हो सकेंगे जिनका कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली है। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं है। पुलिस के अनुसार लोगों को 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मास्क लगाने, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने समेत कोविड संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। दरअसल पुलिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि समारोह में शामिल होने के लिए जरूरी है कि कोविड रोधी टीके की दोनों डोज लगवाई गई हो। वहीं आने वाले मेहमानों से आग्रह है कि वे अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को समारोह में आने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि कोविड रोधी टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था। इस महीने से ये 15 से 18 साल के उम्र के किशोरों के लिए भी शुरू कर दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिशा निर्देशों में कहा है कि लोगों के बैठने के लिए खंड सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे और वो इसके हिसाब से पहुंचें। उन्होंने बताया है कि पार्किंग का स्थान सीमित है, लिहाजा लोगों को सलाह दी जाती है कि वो कार पूल करें या टैक्सी का इस्तेमाल करें। पुलिस ने लोगों से वैलिड पहचान पत्र लाने और सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की है। इसके साथ ही हर पार्किंग क्षेत्र में रिमोट नियंत्रित कार लॉक की चाबियों को जमा कराने की व्यवस्था भी की गई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे तमाम पाबंदियों में ढील देनी शुरू की गई है। इसी के तहत निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ खोला जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि स्कूल जल्दी खोलने के लिए बच्चों के टीकाकरण पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आने के बाद आज से प्राइवेट ऑफिस 50% कर्मचारी अधिकारी क्षमता के साथ खुल गए हैं, जबकि सरकारी दफ्तर फिलहाल बंद ही रहेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को दफ्तर में मौजूद रहने के दौरान कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्राइवेट दफ्तरों को खोले जाने को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार कई दिनों से घट रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए प्राइवेट दफ्तरों को 50% कर्मचारी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। वहीं स्कूल खोलने के प्रस्ताव को लेकर मनीष सिसोदिया का कहना है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी स्कूलों में जिस गति से काम हो रहा है
वो वाकई में काबिले तारीफ है। कोरोना के इस मुश्किल हालात में हमारे शिक्षक बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके वैक्सीनेशन तक और बाकी अन्य कार्यों में भी मोर्चा संभाले नजर आए हैं। वैक्सीनेशन हमें पढ़ाई को ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट करने में मदद करेगा। अब जहां कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और बड़ी क्लासों के ज्यादातर बच्चों को वैक्सीन लग चुकी है, तो इस स्थिति में DDMA के समक्ष स्कूलों को दोबारा खोलने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। बौद्ध सर्किट और रामायण सर्किट के साथ ही अब IRCTC काशी की दिव्य यात्रा भी कराएगी, जिसके तहत काशी के तमाम पौराणिक स्थानों के दर्शन कराए जाएंगे। यह सेवा 22 मार्च से शुरू होगी, लेकिन इसके लिए डीलक्स ट्रेन जो चलाई गई है उसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बौद्ध रामायण सर्किट के बाद अब IRCTC काशी के लिए विशेष डीलक्स ट्रेन शुरू कर रही है। ये ट्रेन 22 मार्च से शुरू हो रही है और आज से इसके लिए बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेन दिव्य काशी यात्रा पर 4 रात और 5 दिन में यात्रा करवाएगी। इस विशेष ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलाया जाएगा और अगले दिन सुबह यात्री बनारस पहुंचकर सारनाथ स्मारक, काल भैरव मंदिर, वाराणसी के घाट के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा का दर्शन कर सकेंगे। क्या है इस ट्रेन की खासियत और क्या है इसमें खास, चलिए दिखाते हैं। हम सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और देख रहे हैं आप मेरे चेहरे पर जो तेज है ये तिलक का, क्योंकि हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ और वो भी IRCTC की विशेष इस रेलगाड़ी के से, क्योंकि ये रेलगाड़ी जो है काशी विश्वनाथ की यात्रा कराती है और विशेष यात्रा कराती है। हम आपको इससे ही यात्रा कराएंगे, आइए मेरे साथ चलिए। ये हम आ गए हैं अपने कोच में, ये कोच है और इस कोच में हम देखें तो ये एक केबिन है। इस एक केबिन में 2 बर्थ हैं और ये 2 बर्थ जो है 2 यात्रियों के लिए हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे कोच के बारे में बताता हूँ। इस कोच में जो एक केबिन में 2 लोग रह सकते हैं, इसमें 4 लोग भी रह सकते हैं, पहले 2 और उसके बाद 4, यानी अगर आप 4 के परिवार के साथ हैं तो आप 4 लोगों के साथ भी इसमें रह सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और हमारे साथ कुछ यात्री भी जुड़ते जा रहे हैं। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, हम दिखाएंगे आपको। मैंने मास्क इसके लिए पहना हुआ है क्योंकि कोरोना भी गया नहीं है और कोरोना चुकी है तो इसलिए सुरक्षा भी जरूरी है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है, अगर आपके शूज खराब है तो आप उस पर पॉलिश कर सकते हैं, ब्लैक, ब्राउन, कुछ भी आप उसको साफ कर सकते हैं। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको, ये डाइनिंग एरिया है, हमारे सभी यात्रियों के लिए ये डाइनिंग एरिया है। इस डाइनिंग एरिया में आप बैठ करके आराम से भोजन कर सकते हैं, प्रसादम ग्रहण कर सकते हैं। पूरी ट्रेन में अब मैं मास्क उतार रहा हूँ, पूरी ट्रेन में इस तरह एक कोच के बाद एक कोच में आप यात्रा करेंगे तो दूसरे कोच में आप डाइनिंग करेंगे, आपके लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध है और आप म्यूजिक संगीत अगर सुने तो बाबा विश्वनाथ के वो बोल बबम बम बबम बबम बम बबम गूंज रहे हैं। बता दें कि ये ट्रेन IRCTC ने शुरू किया है, इसके CMD का क्या कहना है चलिए सुनाते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है इस समय काशी विश्वनाथ की यात्रा से पहले IRCTC की CMD रजनी हजीजा जी। रजनी हजीजा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, कुल्हड़ में चाय कॉफी, आखिर पूरी यात्रा का वृत्तांत है क्या, क्या क्या दे रहे हैं और अब कैसे ये यात्रा की जा सकती है, आम यात्री कैसे कर सकते हैं? मैं शुरुआत कुल्हड़ से करती हूँ, कुल्हड़ रात के दूध के लिए है जिसमें केसर वाला दूध दिया जाएगा जी, जो इस बार के मेन्यू में शामिल किया गया जी। तो चाय कॉफी आपको कप में ही मिलेगा। ये हमारी 4 नाइट 5 डेज की एक यात्रा है जो कि हम 22 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हमने काशी की भव्यता और उसकी सांस्कृतिक धरोहर को इकट्ठा करके अब इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। आप जानते हैं हम बिकॉज यू हैव बीन इंटरव्यूइंग दिस अर्लियर आल्सो, हम लोग जो है रिलीजियस सर्किट में काफी जैसे कि रामायण आपकी काफी फेमस हुई है, हम ज्योतिर्लिंग सर्किट बजट सेगमेंट में भी चला दे रहे हैं, तो हमने डीलक्स ट्रेन के माध्यम से जब रामायण में प्रयास किया
तो हमने इसको फिर काशी, जब इसी बीच में काशी कॉरिडोर में भी काफी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे थे, वी वर डूइंग रेकी, तो हमने 4 दिन 4 नाइट एंड 5 डेज का एक पैकेज बनाया जिसमें हमने सारनाथ को, काशी की धरोहर को और काशी की पंचकोसी यात्रा जो होती है उसके जो पड़ाव है उनको, और वहाँ संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, ये सब मंदिर जो है एक दिन में कवर हो ही नहीं पाते थे जी। बड़ी दर्शकों के लिए बड़ी विडंबना होती थी, पैसेंजर बड़ा डिसकंटेंटेड फील करता था। हमने कहा आपके लिए अलग ही पैकेज बनाते हैं क्योंकि हमारे जो कस्टमर है काफी रिपीट कस्टमर भी होते हैं हमारे साथ। इस ट्रेन की क्या खासियत है, क्योंकि देखिए यात्रा जो है यादगार हो इसके लिए जरूरी है ट्रेन सफर और वहाँ का जी स्थानीय जो यादगार बने उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्टे कंफर्टेबल हो, खाना अच्छा हो, शुद्ध सात्विक भोजन हो, तो क्योंकि सेंटिमेंट ऐसा है इस यात्रा का, तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पे रेस्टोरेंट देख रहे हैं ऐसा, इस गाड़ी में 2 रेस्टोरेंट है, 54 की कैपेसिटी के 108 लोग जो है इकट्ठे खाना कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो यात्रा का जो आनंद है वो दोगुना हो सकता है। खाना आपको ऑन द टेबल मिलेगा, ऑन द कॉल मिलेगा, टी कॉफी अनलिमिटेड है, कितना भी आप पी सकते हैं। ये महीने में कितनी बार ये ट्रेन चलाई जाएगी? देखिए ये जो ट्रेन है डिफरेंट आइटनरीज पर चलती है, हम डिफरेंट सीजन के हिसाब से डिफरेंट आइटनरीज प्लान करते रहते हैं, तो ये हमारा पहला प्रयास है, इसका रिजल्ट जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छा होगा, उसके बाद फिर हम और गाड़ियां चलाने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत अच्छा है ये, हर हर महादेव। और ये देखिए जैसा कि रजनी असीजा जी बता रही थी कि ये पहला प्रयास है, 22 मार्च से ये ट्रेन जो है वो आम यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी। बता दें कि सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रात्रि 8 बजे सफर की शुरुआत होगी और स्टेशन पर पहुंचते ही भव्य स्वागत, जलपान, रात्रि का भोजन, कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध और फिर सुबह नाश्ते के बाद वाराणसी का अवलोकन किया जा सकेगा। दूसरे दिन रात्रि वापसी के बाद ट्रेन के रेस्टोरेंट में भोजन और ऑन बोर्ड नाश्ते के साथ चौथे दिन सुबह दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे। जेएनयू परिसर में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर जहां वहां पर छात्रों के बीच असंतोष फैला हुआ था और प्रदर्शन किए जा रहे थे, इसी बीच दिल्ली पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। दिल्ली पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के जेएनयू में छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की गुत्थी को वसंत कुंज पुलिस ने सुलझा लिया है। 1000 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 28 वर्षीय अक्षय के रूप में की गई है। 17 तारीख की रात को वसंत कुंज रोड थाने के इलाके में एक हमें पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी जिसमें यह पता लगा था कि एक लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है जो जेएनयू की छात्रा है। उसी समय मैं खुद अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर तुरंत पहुंचा मौके की सेंसिटिविटी को देखते हुए, और उसी समय से हमने अपनी तफ्तीश जो है दिन रात जोरों पे करी और आज हमें उसके में सफलता मिल गई। इसके अंदर जो आरोपी है उसको हमने पकड़ लिया है और पूरे केस का खुलासा हो गया है। आरोपी का नाम अक्षय दौलाई है, इसकी उम्र 27 साल है और ये मूलतः 24 परगना वेस्ट बंगाल का रहने वाला है। आज की तारीख में दिल्ली के अंदर ये मुनिरका के अंदर किराए के मकान में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह रहा था और ये एक भीका जी कामा पैलेस में एक दुकान है जिसके अंदर मोबाइल रिपेयरिंग और सिम कार्ड बेचने का ये काम करता है। जिस दिन ये वारदात घटित हुई है उस दिन शाम के समय में इसने अपने दुकान बंद करने से पहले अपने दुकान का जो मालिक है उसके साथ में पहले ड्रिंक करी। ड्रिंक करने के बाद में ये बाहर निकला। उस दिन ड्रिंक करने का कारण ये रहा कि इसकी जो वाइफ है उसके साथ सुबह इसका एक काफी बड़ा झगड़ा हुआ था और झगड़े में अपनी जो इसकी वाइफ थी वो नाराज होके अपने मायके चली गई थी। उस बात से ये काफी अपसेट था, काफी डिस्टर्ब था और रात के समय में जब ड्रिंक करके इसका मालिक चला गया तो इसने अपने आप को और नशे में करने के लिए एक बियर की बोतल बाहर में ली। उस बियर की बोतल को इसने पिया और जेएनयू की तरफ ये चला गया। जेएनयू में जाने का जो इसका रूटीन था वो काफी कैजुअल था। 2011 में ये दिल्ली में आके बस गया था और 2011 से लेकर 2015 तक ये टिकट बुकिंग और टिकट रिजर्वेशन कराने का काम करता था। डेली बेसिस पे जेएनयू के अंदर जो टिकटिंग काउंटर है उस टिकटिंग काउंटर पे इसका रोज आना जाना रहता था।
और उसी के चलते जेएनयू के अंदर की हर गली हर चप्पे से यह वाकिफ था। जिस दिन वारदात हुई उस दिन रात में जब ये शराब के नशे में निकला है तो इसने तीन लड़कियों को जेएनयू के गेट के अंदर जाते हुए देखा। वारदात में इस्तेमाल होने वाली चीजें भी पुलिस ने बरामद कर ली है और वो स्कूटी जो इस वारदात के लिए इसने इस्तेमाल की वो तमाम की तमाम चीजें रिकवर कर ली। ये एक बहुत ही हमारी टीम का लिए एक बहुत ही खुशी का पल है कि एक बहुत ही सेंसिटिव केस हमने बहुत ही रीजनेबल टाइम के अंदर सक्सेसफुली वर्कआउट किया। जेएनयू के हर गेट में सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं तो ऐसे में बिना किसी एडमिट कार्ड या बिना किसी पहचान के मतलब किस तरीके से घुसता था वो, कोई किससे पहचान बताता था वो? ये शुरू में जब टिकटिंग सेंटर पे जाता था ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था वहां की एंट्री में और ये चीज भी जब हमने सिक्योरिटी एनालाइज किया वहां पे जाके तो पता लगा कि वहां पे टू व्हीलर्स की एंट्री जो है रजिस्टर में एंट्री नहीं होती है, फोर व्हीलर्स या जो जोमेटो या स्विगी पे जो लोग वहां पे फूड डिलीवरी करने आते हैं तो उन्हीं की सिर्फ एंट्रीज जेएनयू के ऊपर गेट पे होती पाई जाती है। तो इस चीज को लेकर ये इसने इसका फायदा उठाया और जो इसको एंट्री मिलेगी एक्सेस मिलने। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा अभी तक एक्शन नहीं लिए जाने के चलते जेएनयू छात्र संघ नाराज चल रहा था। उन्होंने 24 जनवरी को आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने 11 बजे गंगा ढाबा पर छात्रों से एकत्रित होने की अपील की थी और 11:30 बजे नए पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। हालांकि इससे पहले ही पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली NCR दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।